नीरज राय भाई, टीएमसी की जो बौखलाहट है उसकी वजह क्या है? क्या किला ढहने का डर है या ममता बनर्जी अपने जीवन के सबसे मुश्किल सबसे कड़ी चुनौती से जूझ रही? भाई साहब अभी ऐसा बात करते हैं, चुनाव बंगाल का नहीं है, चुनाव देश का है। जब बंगाल का चुनाव था तो आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा के स्टार प्रचारक पूरा अपने तामझाम के साथ लगे रहे, फिर भी बंगाल में ममता बनर्जी को कमजोर नहीं कर पाए। तो एक बंगाल देश के चुनाव में क्या कर रहा है दिक्कत, वह बड़ी बात नहीं है। या भारतीय जनता पार्टी उधर देश का ध्यान आकृष्ट कराती है, क्योंकि लॉजिक को समझिए, एक बंगाल को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी क्षेत्रों में अन्य जगहों पर जाकर वहां की दुर्व्यवस्था को बताने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए, मैं भी मान रहा हूं कि विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि इनके सैकड़ों से ऊपर कार्यकर्ता जो वहां पे मार दिए गए थे, भारतीय जनता पार्टी उन मारे गए कार्यकर्ताओं का जांच रिपोर्ट क्या हुआ, बंगाल सरकार के ऊपर एक्शन क्या लिए, या सिर्फ वो चुनावी इनका एजेंडा था, या मोदी जी को अपने काम के दम पर चुनाव लड़ने में दिक्कत हो रही है इसलिए कि क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को या कभी सनातन को लेके आ जा रहे हैं या कभी राम मंदिर को लेके आ जा रहे हैं। भाई आप 10 साल में बहुत काम किया है आपने, नो डाउट। मैं विपक्ष नहीं हूं रंजीत भाई की, मैं नहीं मानूंगा कि आपने काम नहीं किया। नहीं नहीं, ये जो आप लोगों की हिंसा का पूरा कौन है भाई? नहीं, ये कौन? एक मिनट नीतिजन, मैं आपके पास आऊंगा, मैं जरा इनकी बात, एक मिनट में इनकी पूरी बात पूरी हो जाए फिर सवाल जवाब शुरू करेंगे। क्या हो रहा है अभी 8-9 महीना पहले कुछ टीवी चैनलों पे चलता था कि जो ही कोई विश्लेषक या एंकर बोलता था तो कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में कूद जाते थे, उसी वही हंसराज भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं उसी पर जो कह रहे हैं आप उसी पे सवाल कर रहे हैं कि भाई काम तो सरकार तो आपकी भी वहाँ है, तो सरकार आप भी काम कर रहे हैं, आप भी काम पे चुनाव लड़िए ना, लेकिन आप तो आप भी काम पे चुनाव नहीं लड़ रहे, आप भी तो यही कर रहे हैं ना, लोगों को डरा रहे हैं। ममता दीदी क्या कर रही है कि भाई दंगे हो जाएंगे रामनवमी पर, और ये बड़ी साजिश हो रही है, ये दंगे से किसको डरा रहे हैं साहब? सरकार आप लोग जानते हैं किसको डरा रहे हैं दंगे से? दंगे से तो डरा रहे हैं ना लोगों को, तो आप भी काम पे, आप भी कहां काम पे चुनाव लड़ रहे हैं भाई? हमारा सबसे जो बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की जब तुलना आप लोग और भाजपा के नेता लगते हैं किसी प्रदेश के एक मुख्यमंत्री से करने, तो बड़ा कचोटता है। मैं देश के प्रधानमंत्री का बोल रहा हूँ कि भाजपा के सरकार ने नहीं कर रहा हूँ काम नहीं किया है, वो विपक्ष बोलता होगा काम नहीं किया है, लेकिन जब आपने काम किया है तो उसका इम्प्लीमेंट किया है, तो आप बताइए ना प्रधानमंत्री जी कि आपने काम किया है कि आपको फिर राम के शरण में जाना पड़ रहा है, सनातन पे खतरा बताना पड़ रहा है। नीरज 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 राय, आप उस सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, आप सिर्फ अपनी बात कहते जा रहे हैं कि भाई अगर इतना काम किया है तो हर मंच से क्यों कह रही है कि रामनवमी में दंगा भड़कने वाला है, क्यों डरा रही भाई लोगों को? 2000 आप भी तो डरा के ही वोट ले रहे हो ना? मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का वहां से जो अनुसांगिक संगठन है, 2016 में भी वहां पे कार्यक्रम किया गया था, वहां भी आपने देखा, और लेटेस्ट में पिछले साल आप जाइए कि रूट डाइवर्जन के लिए वहां पे परमिशन भी नहीं मिला था और इधर से उधर घुमा के ले जाना था। आपने देखा था कि हमारे राम भक्त जो तथाकथित कहे जाते थे हाथ में देसी हथियार और बम लेके घूम रहे थे, तो टीएमसी या अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता नहीं थे। भाजपा का कोई नेता बताए कि उसका लड़का जाता है क्या ऐसी रैलियों में? क्या आप मतलब कसम खा के बैठे हो कि आम जनता को धर्म के नाम पे भ्रमित करोगे? बंगाल में जितनी सियासी हिंसा हो रही है और उसमें जितने टीएमसी के लोगों के नाम आ रहे हैं, जिस तरीके से कोर्ट ने हर बार आपको टीएमसी की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, उसकी नाकामी पे उसे फटकार लगी, और ये साबित हुआ है हर बार कि आप कि टीएमसी के लोग ऐसे हिंसा में शामिल रहे हैं, उसके बावजूद किस मुंह से आप ऐसी बातें करते हैं नीरज राय? तो ये पहला मौका है क्या? ये एनआईए, ये सीबीआई पे ईडी पे और एनआईए पे ये हमले बंगाल में हो रहे हैं, बावजूद इसके कि ये सारी जांच हाईकोर्ट के आदेश पे हो रही है,
और इन पर हमले हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वहां कानून व्यवस्था और इसकी इसका सवाल उठा रहे हैं। भाई, भाई गौरव गाथा गाने में आप इतना भी मत चले जाइए। अरे क्या गौरव गाथा, क्या इसको गौरव गाथा नहीं कहते? इसको गौरव गाथा नहीं, कलंक कथा है ये, बंगाल की कलंक कथा है नीरज राय, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। गौरव गाथा तो आपने मौका ही नहीं दिया गाने का। 2021 के विधानसभा चुनाव में 125 से ऊपर हत्या हुआ था, वहां पर केंद्र की सरकार ने क्या निर्णय लिया? केवल चुनाव आता है तो आरोप लगाया जाता है कि टीएमसी पे, कभी आम आदमी पार्टी पे, जहां इनकी सरकार नहीं वहां पे आरोप लगाओगे, और अपने में 10 सालों में 25 भ्रष्टाचारियों को ले आओगे, 3 को क्लोजर रिपोर्ट दोगे और 22 की जांच। अरे मैं आप उन आंकड़ों पर गौर ही नहीं करेंगे जो मैं बताऊंगा, उस पर जवाब ही नहीं देंगे, आप कहीं और चले जाएंगे, आप तुरंत गोल पोस्ट चेंज कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि पिछले 10 सालों में आंकड़े बताते हैं कि हर साल 70 राजनीतिक हत्याएं हुई है, उसके बावजूद भी आप कहोगे कि भाई बंगाल जैसा तो राम राज्य कहीं है ही नहीं। केंद्र की सरकार जो सशक्त सरकार है, केंद्र की जिम्मेदारी भी होती है, उसके पास अधिकार। अरे केंद्र की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर है क्या? केंद्र की जिम्मेदारी क्या है? और केंद्र की जो जिम्मेदारी है आप उसे निभाने दे रहे हो क्या? उसमें सीबीआई से लेकर ईडी तक जो लोग जांच करने के लिए जा रहे हैं, कभी आप उनके उनकी जनरल कंसेंट आप विड्रॉ कर ले रहे हो, कभी आप उन पर हमले कर रहे हो, आप कौन सा काम करने दे रहे हो केंद्रीय एजेंसियों को? अरे भाई, राज्य से बड़ा देश नहीं होता है ना, यहाँ पे मुख्यमंत्री को आप बड़ा कर दे रहे हैं प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री सरकार खराब है, आप बताइए। ठीक है नीरज राय, आप उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं जो आपसे किया जा रहा है। आप अपना एजेंडा लेकर आए हैं, आप उसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन मैं उसी एजेंडे पे चलूंगा जो हमने जिसकी शुरुआत की है, और इसीलिए हम